तो ठीक है, आई थिंक गुड गुड एफर्ट। इसमें भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में से आप कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हो, और भरतनाट्यम मारना कोई गलत वो नहीं है अचानक से एक बार में, लेकिन इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन कि सेंसेस एंड लिरिकल जो वर्ड आया वो भरतनाट्यम में, एक्चुअली आप पहले ऐसा बोलते नहीं, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, ओडिसी भी क्लासिकल है, तो लेकिन जिसे कहते हैं ना डिस्गाइज करने के लिए ऐसा लैंग्वेज यूज किया, वरना नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण उससे जोड़ा जा सकता है, नाट्य शास्त्र से भरतनाट्यम के भी ओरिजिन जाते हैं। तो लेकिन द टू बेसिक पोस्चर्स ऑफ चौक, अब ये त्रिभंगा तो ठीक है, अब चौक आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि चौकी, जैसे आप बैठते हैं चौकी लगाकर वैसे चौक, तो इट्स ओके। एनीवे मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 मानसी। We consider the following statement about satellite internet or the space-based internet. Satellites for the space-based internet, they can be put in the low Earth and geostationary orbit. Unlike DTH broadcasting, it is a two-way communication. Starlink is an example of the geostationary satellite-based internet. So, correct statements out of these. So, I will go with all three. One, two, three. हाँ चल, वन एंड टू वन एंड टू आशिक। सर इसमें थर्ड वाला गलत है क्योंकि इस जियो स्टेशनरी नहीं होता है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। उसके बाद फिर अनलाइक चल डीचे सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला थर्ड गलत है, सेकेंड सही है, फर्स्ट सही है सर, क्योंकि करेक्ट सैटेलाइट बेस्ड कैन बी लो अर्थ में भी हो सकता है और जियो स्टेशन नहीं होता। ये होना चाहिए। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर टू इज रॉन्ग और स्टेटमेंट नंबर थ्री इज रॉन्ग। हाँ सर, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो मानसी मेक श्योर दैट वी हैव टू, मतलब ये गेस से नहीं हो सकता, वी हैव टू, नहीं क्यों नहीं हो सकता, स्टारलिंक तो बहुत न्यूज में आता भी है, यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी आया है, और वी कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट इट, सो वन मस्ट बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवेश। एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन टिबेरियन 1938 दैट रेगुलेट द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड लुक्स इनटू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर कार्विंग। अकॉर्डिंग टू एक्ट आर्कियोलॉजिकल साइट मींस एनी एरिया व्हिच कंटेन रिम्स एंड रिलिक्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपोर्ट व्हिच हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मोर देन 1000 ईयर। द रिसेंट अमेंडमेंट टू दैट गिव्स स्टेट गवर्नमेंट पावर टू एक्सटेंड द एरिया बियॉन्ड। सर थर्ड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट और सेकंड नहीं है सर करेक्ट, तो आई विल गो फॉर सी। सर आई थिंक इट इज 100 ईयर्स एंड नॉट 1000 ईयर्स। हाँ सर सेकंड गलत है वो, क्योंकि 1000 ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट। फिर ठीक है, समझ आ गया तो आगे चलिए, समझ आ रही ए है। ऑप्शन करेक्ट वन हाँ होगी, थ्री रॉन्ग है ना, ए ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड आर रॉन्ग। सर थर्ड रॉन्ग पता सेकंड क्यों है? इट्स अ स्टेट रीसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेटमेंट टू एक्सटेंड द एरिया बियॉन्ड, अरे नहीं है भाई, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, कैसे हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को तो कोई पावर दे ही नहीं सकते आप ऐसे, सेंट्रल गवर्नमेंट है सर। नहीं हो सकता है ऐसे, तो फिर मॉन्यूमेंट्स की तो धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ऐसा है तो, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आंचल। सर ओनली टू ओनली टू, सही बात है। 16 प्रवेश। सर मीमांसा। सर क्या बात कर रहे हैं, ओनली इन मटेरियलिज्म मीमांसा, चार नहीं वक्स सर लोकायत है, लोकायत लोकायत हो गया तेरा, पत्ता कट गया, लेकिन लोकायत जो है वो बोलता है खाओ पियो मौज करो मित्रा, सानू की कल क्या होगा अपने को क्या है, प्री डिटर्मिनिज्म, सांख्य इज बेस्ड ऑन लॉजिक, वैशाषिका जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, यूनिवर्स वाला क्वेश्चन था जो, और मीमांसा इज वेदांतिक आइडियाज। चलो नेक्स्ट, नोट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 17 मानसी। In the context of the ancient India, the terms bhuktis, vaishyas, and vithis refer to coins, administrative divisions, administrative officials, or books. So I'll go with books. The books अच्छा and कब coins से होगा। पढ़ी तुमने, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी वैसे, तुमने तो मुझे भेजी थी ना बुक्ति पढ़ के बर्थडे पे गिफ्ट दी थी अपने, क्यों तुम कह रहे थे ये सर ना भुक्ति पार्ट वन में लिख चुकी हूँ, भुक्ति पार्ट टू लिख रही हूँ बस, और सर मैं ही हूँ अगली बुकर प्राइज विनर।
तुमने बुक कब पढ़ ली है, भुक्ति और विषय और विधि? हैं, तो श्योर नहीं, मैंने गेस किया। गैस करने के पीछे भी तो गैस होनी चाहिए। भुक्ति, भुक्ति सर, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है विषय, भुक्ति, एक ही से पकड़ लेते। विषय विष गुप्ता पीरियड में भी है। हाँ प्रवेश, बी होगा सर, बी हाँ एडमिट ठीक, डिवीजन। 100% बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मंसधारी सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल रूल इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर आफ्टर हिज विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रवेश, रॉन्ग। अंडर द सिस्टम मंसधार वर सपोज टू मेंटेन देयर ओन मिलिट्री फोर्स। आशिक, ट्रू सर, द सैलरी ऑफ मंसधार वर स्टेटेड इन रुपीज एंड पेड बाय असाइनिंग देम जाबीज। मानसी, ट्रू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। आंचल, दिव्या, G20 G20, दिव्या, OECD। अच्छा वर्ल्ड बैंक नहीं ओके, होगा हाँ सर, ब्रिक्स में सुना नहीं, G20 वहाँ पर, डी वहाँ पर, क्योंकि G20 में B20, कंटेक्स्ट C20 में उसी का आएगा। पार्ट क्वेश्चन नंबर होगा। 20 फास्ट PVTGs ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ज़ाज़ा कमिटी द ग्रुप आइडेंटिफाइड द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स एट PVTGs। प्रवेश, करेक्ट। द क्राइटेरिया फॉर आर पीवीटीजीज इंक्लूडेड डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन एंड प्री एक्सेस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मानसी, ट्रू सर। काठोड़ी, जरावाज एंड कोरागाज आर एग्जांपल ऑफ पीवीटीजीज। आंचल, सर आई थिंक नो, क्यों दिस भाई, इज नॉट करेक्ट। इट शुड बी करेक्ट। दिस विल बी ऑल आर करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट, खुद बी काश्त ऑप्शन एंड, हाँ सर, बी भाई, ऑप्शन इज करेक्ट। 2 और 3 ओनली। वन में क्या पहले दिक्कत वाला है? अच्छा, कमेंट ओहो, फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट स्टेटमेंट से, ऑन द रिकमेंडेशन सुना गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड, आई लाइक इट, वंडरफुल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बुलशिट, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं, वो सिर्फ बताता है, आइडेंटिफाई नहीं गवर्नमेंट ने उस पर किया। सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड बींग कैरिड अवे। इट्स सो कॉमन, इट्स सो इजी दैट यू नो गॉट कैरिड अवे। थैंक यू प्रेरणा। खुद कष्ट एंड पाई कष्ट। औशिक, प्रेजेंट, प्रेजेंट सर, जितने क्वेश्चन आप ठीक करेंगे उसी के बेसिस पे आपके ऑप्शनल का डिसीजन होगा। बाबू, रुद्र दामन वन, इट ही टुक्स मेजर टू इंप्रूव द सुदर्शन लेक इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़। मानसी, सो इट शुड बी करेक्ट। मेजर्स टू इंप्रूव ही इश्यूड द सुधर। फर्स्ट एवर लॉन्ग एक्सपेडिशन इन चेस्ट संस्कृत। आंचल, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन दैट सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। औशिक, नाउ दिस वॉज स्मार्ट, फर्स्ट सर ये तो रॉन्ग है, सेंचुरी, ये रॉन्ग है सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विशाखादत्ता मुद्रा राक्षस। प्रवेश, सर इसमें विशाख दत्ता, आई गो फॉर अबे आयल गो नहीं पूछा तेरे से, दारू पिला रहा हूँ क्या मैं तेरे को? आयल गो पूछा जो बता दे। आयल गो फर सही है सर। करेक्ट बाण भट्ट हरिश्चर हर्षरित। मानसी, सर। बिल्हाणा विक्रमांक देख अचरित। आंचल, दिव्या, कलहन करके नाम सर उनका आती है, विक्रमदेव चरित्र के नाम पर। अरे बता हाँ कि ना यार। औषिक, गलत है सर। हाँ गलत सर, है। गलत है, बिल्हाणा विक्रमादित्य चरित नहीं होगा, होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ कलहन प्रेरणा, सर सही है, तीनों सही है। हाँ तीनों होंगे, बिल्कुल सही बात। चलो आगे नोट कर लो। प्रीहिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया पिट ड्वेलिंग्स वर मेनली एसोसिएटेड विद। मानसी, 24 मास्की, बोर्दा होम, पिकली हाल, मिर्जापुर। और सब लोग करने के बाद में अपनी परफॉर्मेंस का लेवल व्हाट्सएप पे लिख देना। सर या तो ए या बी है, इसमें से आई विल गो विद
ए अच्छा ए, कहाँ है मास की? सो कर्नाटका, कर्नाटका। और पिट ड्वेलिंग, सोचो पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, पिट का मतलब क्या होता तो गड्ढा। है? गड्ढा है, तो गड्ढे में लोग रहते हैं। तुम्हें लगता है मास की में कर्नाटक में गड्ढे में लोग रहेंगे? इतने साल इतने गर्मी कर्नाटक का मतलब सब प्री हिस्टोरिक, प्रीहिस्टोरिक। हाँ चलो ठीक, बुर्जा होम, प्रवेश जम्मू कश्मीर, बिरजा होम, में ही मिले इंडिया में पिट ड्वेलिंग्स, गुरुदोम गुफरा, ये दो जगह है बस, तुम गुफरा। पढ़ चुके हो। रिसेंटली इंडिया हैज कॉल्ड अप G20 कंट्री टू मल्टीलेटरल एक्शन फॉर फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी स्टैट्यू इन इंडिया। आचल थैंक यू। ट्रू डिफाइन नहीं किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ये कौन है, गलत डिफाइन हो, नहीं है क्या? हो ऐसा डिफाइंड डिफाइन, है, फ्यूजरेटिव पहला गलत होगा, सेकंड सही इकोनॉमिक होगा सर। ऑफेंडर्स एक्ट भी है। तो माल भी उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्रवेश नहीं सर, मैं जाऊंगा 2 एंड 3। अबे तेरे से पूछा था 2 एंड 3 है, मैं जाऊंगा फिर वही बात कर रहे हैं, बारात में आया है, नहीं जो सर, पूछा जाए उतना बता। ठीक है सर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्लियरली डिफाइंड नहीं होना चाहिए सर, फॉल्स है मेरे को। अच्छा ठीक है चलो। दूसरा मानसी, दूसरा लॉज ऑफ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन वर्नास, सो आई डोंट थिंक सो ये भी सही होगा, रॉन्ग है मेरे ये हिसाब से। ट्रू है सर। ये कब होंगे लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन वर्नाज मानसी कब आएंगे? ब्रिटिश करेंगे तो नहीं, फिर कौन करेगा? अकबर? फिर नो सर, तो कौन करेगा? यही तो नहीं पता। ये तो नहीं पता, तुम करोगी तो नो ये गुप्ता पीरियड ही करेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट, गिल्ड्स एंड गिल्ड, आर्टिजन पर ट्रू गवर्न सर, बाय ट्रू देयर ओन लॉज। आंसर आंसर सर, थर्ड, जिससे ट्रू। पूछा जाए ना वही बोलो बस, समझ गए? तो सारे करेक्ट होने चाहिए, है ना प्रेरणा? यस सर, बी सारे करेक्ट। चलो चलिए आगे चलिए। सील्ड कवर ज्यूरिसप्रूडेंस, प्रवेश। इट इज अ प्रैक्टिस यूज्ड बाय सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स फॉर कन्वेइंग देयर जजमेंट्स ऑन केसेस इन्वॉल्विंग टेररिस्ट इन सील्ड एनवेलप टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। इट इज अ प्रैक्टिस यूज्ड बाय कोर्ट्स फॉर आस्किंग अरे भाई इन्फॉर्मेशन भाई इन। भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट सर बता दे बस, पढ़ के ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट पढ़ तो लूँ मैं एक बार, नहीं पढ़ ली तूने? तुम सर सारी पढ़ के दूंगा ना आंसर सर, वो कैरिड सारे अवे क्यों होगा ना पढ़ेगा? फर्स्ट पढ़ के बोल बस, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बता। सर। रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग है मानसी। सेकंड, अ प्रैक्टिस यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक एजेंसीज फ्रॉम अब्रॉड। सर रॉन्ग, रॉन्ग। आंसर थर्ड, सर ट्रू हो सकता है, कैन भी बोल रहे हैं। कैन बी, कैन ओनली बी एक्सेस बाई जजेस। और फोर्थ स्टेटमेंट, परवेश फोर्थ स्टेटमेंट पर गलत है, सी आंसर जी आंसर। है चलिए सर, नेक्स्ट, इसमें चलिए लिखा से फॉर गवर्नमेंट देते हैं सर उसमें, इसलिए सी सही है सील्ड में। चलिए चलिए। विद रेफरेंस टू डिफरेंट फॉरेन पर्सनैलिटी दैट विजिट इन मुगल एम्पायर। अच्छा, एंटोनियो मॉन्सरेट वॉज ए पोर्टुगीज प्रीस्ट सेंट टू मुगल कोर्ट टू कन्वर्ट अकबर टू क्रिश्चियनिटी। कौशिक हाँ सर ट्रू। ट्रू है। फ्रैंकोय बोर्निए वॉज ए फ्रेंच मैन सर्व्ड एज फिजिशियन टू प्रिंस दाराशिको। मानसी। तो ट्रू होना चाहिए, सर सर थॉमस रो वॉज एन इंग्लिश डिप्लोमैट हु विजिटेड एम्परर शाहजहां कोर्ट टू ऑब्टेन ट्रेडिंग राइट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिव्या। ट्रू सर। नहीं सर, तीनों ट्रू है और हमें पता भी है और हम पढ़ भी चुके हैं। सर शाहजहां जहांगीर है ना सर, जहांगीर, जहांगीर होगा ना सर, थॉमस होगा जहांगीर सर। थर्ड वाले में जहांगीर होगा, हाँ सर, शाहजहां होगा ना सिक्सटीन जहांगीर, थर्टीन के सूरत। आसपास है सर। हाँ 1612 1613 जहांगीर। वीर शैव ट्रेडिशन फाउंडर बसवाना वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रवेश क्यों? रॉन्ग है सर। सर मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मतलब निजामुद्दीन औलिया सर बांसवन्ना बहुत मतलब इनसे काफी पहले के टाइम पे आए हैं, तो बसवन्ना निजामुद्दीन पहले औलिया आया? 12th सेंचुरी सर, है। बसवन्ना 12th सेंचुरी ना दोनों को ही।
बासवन्ना साहब हाँ जो सेक्ट है उसके हाँ जो लिंगायत है ना वही निसर बासवन है फाउंडर। बिल्कुल, लिंगायत बसवाना हाँ वही तो है। फिर सर 12th सेंचुरी के, और निजामुद्दीन अच्छा अलीकुतुब उसी का चलो, अराउंड है सर 1230, तो आई थिंक हो सकता हाँ है। हो सकता है, पॉसिबल है। सेकंड स्टेटमेंट मानसी, ट्रेडिशन बिलीव दैट एवरी डिवोटी हैज टू गो थ्रू मल्टीपल साइकिल्स ऑफ रीबर्थ बिफोर ही शी इज यूनाइटेड विद द लॉर्ड शिवा, सो इट कैन बी ट्रू। तुम क्या मारोगी? सर ट्रू मारूंगी इसको, सेकंड को मैं। प्रवेश थर्ड स्टेटमेंट, वीर शैविज्म डिड नॉट एडवोकेट द वर्शिप ऑफ आइडल्स, करेक्ट है सर थर्ड। हाँ करेक्ट है। थर्ड, वो लिंगा रखते हैं, लिंगा टांगते हैं गले में भी गर्दन में भी, और वो क्रिमेशन भी नहीं करते, वो दफनाते हैं। हिंदू धर्म का जो शादी के तरीके हैं उसको भी नहीं मानते, मतलब बेसिकली ब्राह्मणिकल, जो आज की द्रविड़ियन मूवमेंट की तुम बात करते हो और जिसको हिंदुत्व जो बोलते हैं, मतलब इसीलिए साउथ के अंदर आपका इतना आसान नहीं है पॉलिटिकल रूट को बनाना इस वाले कल्चर से। जय श्री राम बोला आपने और आप ऐसा नहीं हो पाएगा, देना बिकॉज द क्या काइंड हुआ आंसर है? तीज द आंसर, थ्री ओनली, सेकंड वाला हाँ इज वो ही ना, कैंसिल। पहले वाला भी गलत है, वो जो उसी को बता रहे हो आप, इसका तो मतलब पहले वाला एक सेंचुरी में फर्क होगा सर, कंसेप्ट थर्टीन चेंज हो गया, ट्वेल्थ होगा। कंसेप्ट चेंज हो गया। वो पहले आ गए वो जो, लेकिन आपने बाद में बोला निजामुद्दीन औलिया जो है वो सल्तनत पीरियड में आ रहे हैं, ये तो उसी का बसवन्ना पहले अराउंड है आ सर, बहुत पास है मतलब दोनों का, इसलिए हो सकता है। कंटेम्प्रेरी सेंचुरी फर्क होगा, लेकिन एक हाँ सर, एक फर्क होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट, तो बचेगा। मल्टीपल साइकिल पे क्यों जाना पड़ेगा, मतलब जैसे वो वाली बात है कि भाई जाते हैं मल्टीपल साइकिल प्रोवाइडेड यू आर नॉट फॉलोइंग द रिचुअल्स, मतलब नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। तो स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं कि सर, ये आप, रीबर्थ की थ्योरी को बिलीव नहीं करते ना सर लिंगायत। हाँ वही 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 मैं जो हिंदू धर्म वाली बात होगी ना, ये तो पुनर्जन्म यस जी सर ये वाला जी, करेक्ट, गुड पॉइंट। 30, कोराचिल एक्सपीडिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी, औशिक। मोहम्मद ए सर मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर बिन था तुगलक थे, सर, उन्होंने करेंसी का एक्सपेरिमेंट किया था, करें कोराचिल उत्तर की तरफ बोलते थे चाइना की तरफ हम जाएंगे ऐसा कुछ करने पर। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद एंड ज्योतिष आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मानसी वेदांग ब्राह्मण अरण्यकास उपनिषद, एंड यू मस्ट मार्क इट करेक्ट। आचल सर वेदांग्स। वेदांश, बिल्कुल सही कहा, वेदों के अंग माना गया है इनको, ब्राह्मण तो ये हो ही नहीं अरण्यक, सकते। अरण्यक अरण्य में का, क्या फर्क अरण्य सर? क्या आर द अरण्य बुक्स का दे जंगल वर बुक है रिटन इन ना सर, फॉरेस्ट। हाँ जंगल बुक्स, अरण्य का जंगल बुक्स, उपनिषद आर हाँ द फिलोसफी ऑफ वेदा, ब्राह्मणा हाँ आर द हाँ ट्रेडिशन एंड द रिचुअल्स, तो ये है। तो कहने का मतलब है कि उपनिषद है वेदांत, वेदों का अंत उपनिषद है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 32, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय पतंजलि, औशिक। पन्नी सर पैरा गलत है, हाँ नहीं नहीं पहला राउंड। फोर्थ सेंचुरी सर्व बीसी फादर में। ऑफ ग्रेट रिप्यूट कंपोज द ग्रामर ऑफ कटंतरा, मानसी। ट्रू सर, जब कभी भी दोनों नए हो बिल्कुल ही एकदम, और तुमने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी हो तो चांसेस हैं कि वो ट्रू होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हाला ग्रेट पोएटिक वर्क गाथा सप्त शती इन संस्कृत, प्रवेश। करेक्ट है सर। हाँ सर ये करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, या तो साथ में उसके रॉन्ग है, प्राकृत, इट शुड बी इन प्राकृत, संस्कृत में नहीं है, पहला प्राकृत काव्य है गाथा सप्तशती, तो शती सर मतलब 100, सप्त सप्तशती, यानी 7। सप्तशती प्रेम, आप बता दो एक बार क्या है? सही क्या कह रहे हैं, टू ओनली आंसर। हाँ टू ओनली होगा, फर्स्ट और यस थर्ड तो रॉन्ग है, बोल रहा प्रवेश। नहीं सर, मैं ये कह रहा था ना जो सप्तशती बड़े, ये भी तो संस्कृत का है ना सर। लिखा संस्कृत में है लेकिन ये प्राकृत का पहला काव्य, पहला है ये, बहुत अच्छा मतलब बहुत फेमस है ये, सातवाहन पीरियड का है ये, राजा साहब आपके जैसे ही थे, वो अपना अपना अलग से डॉग बनाते रहते थे बैठ के, काम बहुत सारा है लेकिन डॉग अलग बनाएंगे, और वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलता था उनको। ठीक चलिए द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट AR6 पब्लिश्ड बाय आंचल, मानसी, है, आईपीसीसी एनी वन विद ठीक। डिफरेंट आंसर? नो सर आईपीसीसी। ओके, नागारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, इंटायर टेंपल इज बिल्ट ऑन स्टेन प्लेटफॉर्म,
स्टोन प्लेटफॉर्म, एलोबरेट बाउंड्री वॉल, घर पे गिरे लोकेटेड इन द टॉलेस्ट टावर, अलार्ट वाटर रिजर्व आर प्रेजेंट इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। द फोर्थ इज रॉन्ग। दिव्या टू और फोर। टू। हाँ बिल्कुल सही बोला, एलोबरेट बाउंड्री वॉल नागर स्टाइल में, देखिए बाउंड्री वॉल हो सकती है टेम्पल में, नहीं सर इलैबोरेट लिखा हुआ है सर, हाँ बाउंड्री वॉल नहीं लिखा द्रविड़ियन है, में मतलब मेरे को वॉल अच्छे से बोला में है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में वाटर रिजर्वायर, अलार्ट वाटर रिजर्वायर ये नहीं होगा, मतलब टैंक तो होता है सर जैसे। हाँ बोले सर जो फीचर्स नहीं है ना नगरा स्टाइल डायरेक्टली। के, नगरा स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं सर, उनमें वाटर रिजर्वायर होता है। और ये जो लिखा है ना, एंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म, तो ये सर द्रविड़ियन टेम्पल का फीचर है। तो जो अभी दिव्या ने बोला कि टेम्पल है इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स, तो उसमें रहता है सर अलग अलग दीवारों में मूर्तियां हैं, यक्षा यक्षिणी है, तो वो वो भी तो रहता है है। नहीं। तो सर टू और फोर ही लार्ज वाटर रिजर्वायर, लार्ज वाटर रिजर्वायर सर रहता है वन ना एंड सर। थ्री करेक्ट वन होना एंड चाहिए, थ्री सर्विड का वन है, एंड तो वन थ्री। अगर हटाओगे तो एक ही बचता है, सी टू और फोर। तो क्या प्रेरणा आंसर होना चाहिए? वन थ्री होना चाहिए सर, ए होना चाहिए इसका आंसर, मेरा आंसर इसमें। प्रेरणा मेरे हिसाब से भी ए आंसर है, वन एंड थ्री ओनली। हाँ देखा तो वही सर, लार्ज वाटर रिजर्वर लिखा हुआ है और पैरेलल में इलेबोरेट लिखा हुआ है, ये दो वर्ड है जो गलत है। तो गलत बाउंड्री हो गया वॉल ना हो वो तो। सकता है। हाँ हाँ सर टू एंड जी फोर गलत है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म भवाई, सेंटर ऑफ दिस फॉर्म आर कच्छ एंड काठियावाड़। दिव्या ए फेमस है भवाई बहुत, ऐसा नहीं है, बहुत फेमस है मानसी। सो ओनली वन के साथ जाऊंगी, थर्ड मेरे हिसाब से राइट नहीं है। थर्ड अच्छा थर्ड हो सकता है सर, हो सकता है सिंथेसिस ऑफ सेकंड नहीं होगा, डिवोशनल ओनली रोमांस, तबला एंड फ्लूट है, तो मैं अगर मुझे नहीं पता है तो मैं तो नहीं नहीं मानूंगा, तबला सेकंड तो नहीं होगा ही होगा। नहीं, ट्रेडिशनल थिएटर है, तबला क्या करेगा उसमें। चलो वन इन थ्री में मैं करूंगा तो सी। ना सर सी ऑप्शन इज करेक्ट, वन एंड थ्री ओनली। हाँ चलो ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर, नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स केम इनटू नॉर्थ इंडिया टू द फॉलोइंग आर राजपूत डायनेस्टीज, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, परमार ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर, कालाचूरी, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। कौशिक सभी आएंगे सर, प्रवेश सर डी। डी होगा हाँ बिल्कुल सभी आ सभी। रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट, मुजारियांस, मुजारियां ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली विलेज हेडमैन, टिनेंट फार्मर, ग्रेन मर्चेंट, लैंडलेस लेबरर्स। मानसी तो गेस करना पड़ेगा, मुजारियाज सर आई थिंक लैंडलेस लेबरर्स होना चाहिए। सर मैं पर प्रवेश तो सर ग्रेन मर्चेंट। मैं ही पढ़ूंगा सी। प्रेरणा सर बी है, टेनेंट हाँ टेनेंट फार्म, टेनेंट टेनेंट फार्मर्स फार्मर्स। ठीक इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय औशिक अंत्य डांटी दुर्गा सर, दुर्गा। दंती दुर्गा। समहरता मानसी, समहरता रेफर्स टू, तो ए होना चाहिए। सर जबरदस्ती क्या कर रही हो आंचल। सी क्यों भाई प्रवेश, बिल्कुल सर बी फॉर बैट। बी फॉर बैट। चलो अकबर डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय अकबर एट द प्रोविंशियल लेवल। अच्छा क्वेश्चन है ये, पी तो होगा सर, प्रोविंशियल कौशिक। फौजदार तो होगा, बख्शी भी हाँ होना फौजदार चाहिए, होगा, बख्शी बख्शी। अमल गुजार नहीं होगा सर, टू हुआ फोर क्या होगा सर, टू फोर।
वाक्या नवीस इज स्पाई, वाक्या नवीस इज कॉरेस्पॉन्डेंट, इंटेलिजेंस ऑफिस। इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल, बख्शी क्यों होगा, वो भी प्रोविंशियल लेवल पे। बता भाई प्रेरणा, कैसी ऑप्शन 2 एंड 4 देखा सर है ना सर, तो बख्शी टू एंड फोर बख्शी और वाकिया नवीस है। फिर तो नहीं हो गया मैं ये कह बख्शी। रहा रहा था अमल गुजार और फौजदार नहीं होंगे, फौजदार अमल गुजार तो नहीं होगा सर, ये पता है कि फौजदार वाला होना चाहिए, लेकिन सूबे सूबेदार। ओके, गोल गोल गुंबद ऑफ गुंबद ऑफ बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर इट इज द आदिल मोस्ट शाही होगा सर, पहला होगा आदिल शाही बीजापुर। द मॉन्यूमेंट लैक वॉल्स एंड इज बोथ आउटवर्डली एंड इनवर्डली सर्कुलर। इसका मीनिंग क्या हुआ रॉन्ग सर, है मॉन्यूमेंट लैक्स वॉल। सर, तो आउटवर्ड और इनवर्डली सर्कुलर हो सकता है, बट ये नहीं पता कि इट लैक्स वॉल्स। सेकंड गलत होगा सर। क्वेश्चन नंबर 40 के जो जैसे है, जो जो क्वेश्चन पे जहां डाउट और जहां पे तुम्हें नहीं मालूम वहां पर डिटेल्स निकाल के अलग से कर दो उसको। फोर्टी ए होना चाहिए। वन, आंसर है 41 का सी। ए इज करेक्ट, 1 ओनली। जैसा लिखा है ना, बोथ इनवर्टली इनवर्डली सर्कुलर और लैक्स वॉल, तो कैसे ये हो तो जाएगा, नहीं होना चाहिए हो सर, कैसे, पूछ रहा हूं मैं। तो नहीं होगा सर तभी लैक तो। मॉन्यूमेंट वॉल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट में सर, वॉल्स वो तो सर थोड़ा प्रैक्टिकली तो सोचना होगा ना सर, उधर गोल गुंबद है, अगर दीवारें नहीं होंगी तो लोग चढ़ जाएंगे सर उसके ऊपर, तो थोड़ा तो प्रोटेक्शन देंगे ना उसको वॉल बना के। चलो मतलब पता नहीं सर क्या, लेकिन नहीं ठीक, होगा सेकंड अलोरा वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्टी प्रोजेक्ट टू लोड है सर, प्रोजेक्ट लोड है, प्रोजेक्ट डिफरेंट। अलोरा। हाँ अगर पहला हो सकता है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये नहीं पता है ये पूछ सब, भी नोट करेक्ट तो रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट सेकंड नहीं गलत पूछ नहीं रहे। होगा। रेयर इंडियन लैंग्वेजेस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सर, करेक्ट, सो ओनली टू और होना क्या चाहिए, इतना नॉट करेक्ट। हाँ ओनली टू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नॉट करेक्ट, नॉट बी, करेक्ट पूछ रहे। नोट हाँ करेक्ट सर। पूछ रहे हैं ना वो। ओनली टू, बी मार्क्स नेक्स्ट बी प्रेरणा आंसर क्या प्रेरणा कंफर्म। कंफर्म अरे का ए ठीक। वन ओनली, किसका चलिए है मैं, माइक्रोसॉफ्ट मिनिस्ट्री करते कौन हैं। सा है, माइक्रोसॉफ्ट। चलो नेक्स्ट, महाजनपदास एंशियंट इंडिया, फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, यूज ऑफ एलिमेंट इन मिलिट्री, ऑर्थोडॉक्स करेक्टर ऑफ मगधन सोसाइटी। मानसी विच इज रॉन्ग, चलो ये तो राइट पूछ रहा है, मैं रॉन्ग बता दो मुझे, सेंटेंस बता दो रॉन्ग, मेरे माइनस। हिसाब से 1 होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस रॉन्ग। क्यों क्यों नहीं होना, क्यों नहीं आयरन मिलेगा वहां पे, क्या हो गया आयरन, वहां क्या मिलेगा, पिज्जा मैं तो वहीं पर रहता हूँ ना मानसी। नहीं, है स्टेटमेंट नहीं दिख रहा, ऑर्थोडॉक्स करेक्टर ऑफ मगधन सोसाइटी, द स्टूडेंट हु आर हैविंग ऑर्थोडॉक्स करेक्टर दे गो थ्रू परवेज सिंड्रोम एंड अदर सिंड्रोम्स एंड देन दे, तो ऑर्थोडॉक्स नहीं चाहिए, मूर्खों की तरह आंसर देते हो। चलो नेक्स्ट 44 आरबेस्क्यू मानसी। 43 का ए था ना, 1 एंड 1। हाँ ऑब्वियसली आरबेस्क्यू यार, इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन। ओके हाँ चल सही है। यस सर, 45 बता वहां चल, अच्छा सर वैसे तो अभिज्ञान शांतकुंतलम सही है इसका आंसर, लेकिन नोट रिटन बाय वाह कालिदास पूछा। हाँ जी, तो बढ़िया सर बी नहीं होगा। है आपके चारों तरफ तो। अच्छा बी नहीं होगा, विक्रम और ऋषि नहीं लिखी क्या कालिदास ने, है कुमार संभवम, विक्रम उर्वशीम, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शकुंतलम। परवेश जी बता दीजिए, सर मेरे हिसाब से सर सी नहीं लिखी, हाँ शिशुपाल वधम क्यों लिखेगा, वो उसने ना लिखा शिशुपाल है, ये वध, शिशुपाल वध के ऊपर से लिखा हुआ है तो। शिशुपाल वधम जो है, लेकिन कालिदास जी ने नहीं लिखा हो। चलिए नेक्स्ट 46 मानसी, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रिंग्स मानसी फिजिक्स में, रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ जल्दी। पोस्ट वाज जनरली हेरिडिटरी। ये करेक्ट है, दी असेंबली इज विधाता गणा वर द मोस्ट करेक्ट इंपॉर्टेंट मानसी, फर्स्ट फ्रॉम दी। स्टेटमेंट इज करेक्ट क्या,
हाँ जी सर, रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। लेटर वैदिक में बोल सकते हैं, लेकिन ऋग वैदिक पूछा यहाँ पर से, ऋग्वेदिक है, हेरिडिटरी तो नहीं होगा। तो था नहीं कौन बोला सर, हेरिडिटरी था? हैं सारे ठंडे एकदम, विधाता गण बाकी सब ठीक है। सी प्रवेश, सी बता ठीक है कि नहीं है? करेक्ट है सर। अभी से ऑफिसर नहीं होगा, राजा है, थोड़ा बहुत पुरोहित है, बस सेनानी है। 12 12 लोग हैं असल में, 12, देर आर 12। चलो नेक्स्ट। सर इसका बी आंसर है, 1 एंड 3 ओनली। करेक्ट हाँ है? जी फोर्टी सर, सिक्स का 1 एंड 3 कैसे हो सकता है? सर हो सकता है ना मिस्टेक मिस्टेक हो गई उठने लिखने में, एक्सप्लेनेशन में। है कॉन्सेप्चुअली बस, गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सर हाँ सर, फर्स्ट फर्स्ट तो रॉन्ग है, और डज नॉट मेंशन, ये मतलब मेंशन मैं कह सकता हूँ ये गलत हो सकता है, क्योंकि 12 थे जैसा मैंने बोला, वैदिक और ऋग वैदिक में, ऋग वैदिक और लेटर ऋग वैदिक में है वैसे 12 आ जाते हैं, खत्म होते होते नहीं 12 सर, वो लोग। वैदिक वैदिक सोसाइटी की बात कर रहा था सर, वो तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो आप बोल रहे हो चलो वैदिक ठीक है, सोसाइटी का है, ये एग्जाम ऐसे ऋग्वेदिक नहीं है। करता, एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, डज नॉट मेंशन एनी, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट तो। लेकिन ये वन तो रॉन्ग है और सेकंड तो करेक्ट है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, ये स्टेटमेंट तो अगर मत, थर्ड रॉन्ग सर, थर्ड रॉन्ग है तो 1 तो इसमें करेक्ट आ रहा है फिर भी। वन नहीं हो सकता भाई, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन वन नहीं, रॉन्ग। नहीं तो 2 तो सर चलो इसमें नेक्स्ट। लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, इट सीम्स दैट इन द ऋग्वेदिक पीरियड द किंग्स पोस्ट ऑफ हेरिडिटरी, सीम्स लिखा है, इट सीम्स गलत है, दैट नहीं गलत है, इन ये द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आंचल, जल्दी बोलो आंचल। दिव्या, ख्याल सी हया, नहीं वेरी, होगा क्यों क्यों नहीं होगा, ख्याल नहीं होगा। सर, इसने पूछा नॉट म्यूजिकल फॉर्म तो हाँ, नॉट ख्याल होगा। म्यूजिकल फॉर्म ऑफ कर्नाटिक ख्याल तो म्यूजिक, सर ख्याल, तो ख्याल अमीर खुसरो जी लाए थे, और ख्याल जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हिंदुस्तानी, म्यूजिक है। क्या होता है ख्याल? जो ये होता है, ये ख्याल है, जितना लंबा ख्याल उतना लंबा ऐसे एकदम पूरा एकदम आप जाते हो, बड़ा ख्याल है, एक छोटा ख्याल होता है, एक बड़ा ख्याल होता सर डी है ना, है। आठ है डी ही है ना आंसर फॉर हाँ, दिस। डी। इतना तुम क्यों चौंक रही हो, वहां गलत भी हो सकता है। यस सर, द आर्ट फॉर्म डील्स विद द थीम दैट नरेट द सोशल लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज ऑफ विलेज लाइफ इन महाराष्ट्र रीजन। स्पाइरल फॉर्म्स, मिशन ऑफ मैन एंड वुमेन एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिजाइन इन दीज पेंटिंग्स आर सिंबल ऑफ तरपा डांस। सिंपली पेंट एंड मड एंड काउ डंग बेस्ड सर्फेस कोटेड विद गेरू फर्स्ट देन राइस पेस्ट एंड कलर वाइट। सलाती ग्रास और बेम्बू स्टिक्स आर यूज इन द प्लेस ऑफ बुरुश एंड फॉर पेंटिंग। मेन्स के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ऐसे क्वेश्चन में, सर थोड़ा रिलैक्स सोचोगे तो सर मेन्स के लिए हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र रुक जा, लिखा हुआ है यहाँ पर। सलाती ग्रास और बेम्बू विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट पैसेज, मानसी, सब वर्ली पेंटिंग। अर्ली, चलो शुक्र है भगवान का, ठीक है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, प्रवेश। सर सेकंड इज करेक्ट, अबे फर्स्ट बैक पूछा है, गलत। पता नहीं चलता। सेकंड, करेक्ट करेक्ट पटचित्र पेंटिंग, दिव्या। पिछवाई पेंटिंग, राजस्थान, दिव्या। सर, नहीं पता सर। कमाल है यार, पिछवाई पीछे, नाथ द्वारा मंदिर हमारे भगवान को जो समर्पित है उसके पीछे, यानी भगवान की जो जो पट होता है, यानी जो जो आप कपड़ा कहते हैं, जिसको वस्त्र कहते हैं, उसके पीछे की तरफ भी पेंटिंग होती है, पिछवाई पेंटिंग कहा जाता है उसको, है राजस्थान, बिल्कुल ठीक बात है। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर मस्ट बी करेक्ट। नहीं सर, 2, 3, 4 नहीं होगा सर, ना, टू थ्री नहीं फोर होगा ना, पहला 3, 4 चरियल नहीं है क्या? नहीं होना प्रेरणा, चाहिए सर, 2 3 4 है तो सही ऑप्शन में नहीं। प्रेरणा सीरियल है चरियल कहाँ, दिखाना एक बार। सी इज दी आंसर, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो चेरियल कहाँ है बता दो इनको, प्रेरणा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। मेक अ नोट, सलाल हेमाना एरिया वॉज रिपोर्टेड टू हैव ह्यूज रिसोर्स ऑफ लिथियम।
इट इज लोकेटेड मिडल फॉलोइंग रीजन्स। करुणा, डी आई क्या दिव्या, जम्मू कश्मीर। सर? मैं तो करुणा डी। ओके दिव्या, सर जम्मू कश्मीर ओके। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? ए मारूंगा बिल्कुल। ए। एंड द आंसर इज सी, डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। सो वी आर डन विद द 50 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।